तो अगला साढ़े को जो सवाल है जी वो जो आप मन का टॉपिक किया सी उस पर एक सवाल आया। सवाल का उस वे जवाब दिता सी पर उन्होंने वीर जी का फिर आया भी इनू होर चाहते ने क्लैरिफिकेशन। वो सवाल ये है इन्हों कि जेकर उम्र के नाल साढ़े शरीर की तब्दीली आती है तो मन के विचारों की जी है वो जी तब्दीली है वो किस तरह आती है या क्यों नहीं आती। सो मैं बेनती करते हैं कि जिहड़ा उधर भी मैं दस्या सी कि शरीर की तब्दीली तो है ही है। असी अज तो 20 साल पहले अपनी पिक्चर देखिए फोटो देखिए वो कुछ होर है तो 40 साल पहले देखिए कुछ होर है अज कुछ होर है। शरीर जिहड़ा ये बदलता रहिंदा है पर जिहड़ा मन है ये सूक्ष्म है ये इस तरह कोई फिजिकल चेंज नहीं है। हाँ विचारों की चेंज उन्हें कहा भी विचारों की चेंज जी आती है वो इस करके है कि देखो जिहड़ा साडा मन है उन्हें वो चीज़ सोचनी है जिहो जी उन्होंने फीडबैक मिलनी है। हुण साडे जिहड़े ज्ञान इंद्रिय ने ये उदन आपां विचार विच बेनती कीती सीगी मन जिहड़ा है इहनूं फीडबैक ज्ञान इंद्रिय दिंदे ने। असीं कोई चीज़ देखदे हाँ वो मन च उहदा साडे ख्याल बन जांदा कोई चीज़ सुनदे हाँ मन च ख्याल बन जांदा और इस तरह कोई भी चीज़ देखण नाल सुनण नाल स्पर्श करन नाल साडा जिहड़ा वो मन नूं उहदी फीडबैक मिलदी है तो मन दे उहो जिहे विचार बन जांदे ने। हुण उहनां दा सवाल यह है कि बचपन च होर विचार ने ते बुढ़ापे च होर विचार ने जवानी च होर विचार ने ये क्यों। सो इहदा मतलब यही बेनती है कि असीं ये देखना है कि मन नूं मेन सोर्स उहदे ये ज्ञान इंद्रिय ने जिहड़े फीडबैक दिंदे। जिस वेले एक बच्चा है उहदा जिहड़ा आला दुआला है एनवायरमेंट है वो कि ठीक है माता पिता नाल लाड कर रहे हैं जिहड़े उहदे सरकमस्टांसिस ने कर देना जी जिस तरह मन नूं कहते कि जिस वजह फीडबैक मिलती है मन दे ओह जे पुरने बनते। बचपन में मन नूं फीडबैक की मिलती है वो जिहड़े ज्ञान इंद्रिय ने कर्म इंद्रिय जो उन्हें दसदे ने भाव यह है कि आला दुआला देखता है तो बच्चा जिहड़ा खिडौना मंगेगा खिडौने नाल खेडना पसंद करेगा उन्हूं अपने माता पिता नाल लाड है कोई लाड दीआं गल्लां करेगा कोई शरारत दीआं गल्लां करेगा जो आले दुआले देखता है। और आपां इह पढ़दे हुंदे सां भी जैसी संगत तैसी रंगत उहो जी मन नूं रंगत चढ़ जांदी जिहो जी संगत हो तो बचपन च संगत उहो जी है जवानी च जिस वेले संगत दूजी तरह की आती है तो उहदे मुताबक उहदे फुरने बनदे ने मन की भटकना होर पासे जाती है बचपन च होर पासे जाती है। जिस वेले बंदा बजुर्ग हो जाता उस वेले उहदा जिहड़ा आला दुआला है जां उहदे जिहड़े सरकमस्टांस ने उहनां दे मुताबक जो देखदा है जो एक्सपीरियंस करता है वो मुताबिक वो मन के फुरने बनते। हुण दूजी गल एक होर है क्योंकि अचेत मन साडा स्टोर है उहदे विच हर चीज़ जिहड़ी स्टोर हुंदी है वो जी बचपन वाली गल भी स्टोर है जवानी वाली स्टोर है तो बुढ़ापे वाली तो होनी है। तो यही कारण है कि कई बार कोई बजुर्ग भी बच्चों वर्गी हरकत कर जाता है क्योंकि पुराना फुरना आ जाता है सामने आ जाती गल वह जी हरकत कर जाता है। चंगी हरकत हो बड़ी चंगी गल है पर जे रब ना करे माड़ी कर हरकत होवे ते बजुर्ग भी कोई माड़ी हरकत कर सकदा क्योंकि फुरना उह जिहा आ जांदा जिहड़ा जवानी वेले दा जां कुछ है। यानी संत सिंह जी मस्कीन वो दसदे हुंदे सन उन्हां दी कथा च आउंदा वो कहिंदे भी ये नहीं कि बुढ़ापे च आ के मनुख दे अंदरों माड़ियां वासनावां खत्म हो जांदियां नहीं वो कहिंदे सगों वध जांदियां क्योंकि फुरने इकट्ठे होए हुंदे ने। सो इस करके मन दा कोई बचपन जवानी बुढ़ापे वाली गल नहीं है फुरने क्यों बदलते हैं क्योंकि आले दुआले दे करके बदलते। तुसी देखो कई छोटी उम्र च बड़िया सियाणियां गल्लां करदे ने उहदा कारण है कि उन्होंने माहौल उहो जिहा मिलिया हुंदा कई वार घर का माहौल बड़ा इस च मतलब है भी योगदान पाउंदा। जे घर विच कोई नशे पते की गल चलती है तो छोटे बच्चे जिहड़े ने उन्होंने मन च भी आ जाती गल। मैं इत्थे अपने कैनेडा की एक घटना सुना के समा हो चलिया क्षमा करांगा क्षमा मंगागा। इत्थे साडे पिछले कुछ सालों तो बनाई सी ड्रग अवेयरनैस सोसाइटी उहदे च दास वी उहदे नाल एसोसीएटड है असी मतलब वी पहुँच करदे हाँ डिफरेंट एजेस दे लोगों को जाके कि ये जिहड़ी शराब की लत है इहनूं छड्डिया जाए क्योंकि इत्थे भी जिहड़े ड्रग्स ने उहनां दी वरतों बहुत ज़्यादा हैगी।
ते ईवन स्कूल जिहड़े साडे स्कूल दे बच्चे ने हाई स्कूल दे बच्चे ने उन्हां दी काफ़ी परसेंटेज जिहड़ी है वह ड्रग्स नाल जुड़ी है। तो इस करके असी एक सोसायटी बनाई है जिहड़ी प्रचार करदी हुण वी इस वेले साडा टैलीविजन ते साडे दूजे साथी जिहड़े ने प्रोग्राम दे रहे ने इत्थे लोकल टैलीविजन ते वो मैं उहदी घटना सुनानी चाहुंदा कि यह सच्ची घटना है कि एक सज्जन जिहड़े शौकीन सन दारू पीण दे वह जिस वेले कोई दोस्त आना ने कहना ओ लियाओ जी बोतल मेरा बड़ा प्यारा दोस्त आया उन्हें बैठ के पीनी चलता रहा काम। चार पाँच साल का बच्चा सी एक दिन वो दोस्त मिलन आए तो वह कहता है मम्मी नू बोतल कढ़ के लियाओ मेरे दोस्त आए ने। वो माता पिता परेशान हो गए भी पाँच साल की उम्र च बच्चा की कह रहे ते वो उन्होंने पता लग गया भी गल की है उन्हें बच्चे ने जवाब दिता वो कहते बेटा ये चीज़ चंगी नहीं कहते डैड तेरे फ्रेंड्स आते ने तू कहने मेरे बहुत चंगे फ्रेंड आए हैं तू चंगी चीज़ है तो उन्होंने देना फ्रेंड्स को माड़ी चीज़ थोड़ा चाहिए थी तो मेरे फ्रेंड्स आए हैं इन्होंने दियो। उन्हें अपने मत्थे हाथ मारे उस बंदे ने खुद सन गल दसी तो सब तो पहला काम उन्हें किया जाके बोतल भन्नी। सो यह है सरकमस्टांस एनवायरमेंट जिहो जी एनवायरमेंट है वह जे फुरने बन जाते हैं वो पाँच साल के बच्चे के मन फुरना आ गया कि यह आप वाइन पी सकते हैं या अलकोहल पी सकते। सो बेनती यही है कि जेडे साडे आला दुआला और गुरबाणी च आया कि जैसा सेवे तैसा होए जिहड़ियां चीज़ां असी नाल जुड़े रहने हैं असी उहो जे ही बन जाने जे चंगियां च बैठेंगे चंगी चंगे बन जाएंगे माड़िया च बैठेंगे माड़े बैठेंगे माड़े बन जाएंगे। तो जिन्हां सज्जनां दा यह सवाल है सरदार नरेंद्र सिंह जी श्रीनगर तो उन्होंने बेनती है बई जिथों तक कोई गल हो सकी है वो क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। उस तो बाद मैं प्रिंसीपल सुंदर सिंह जी कुछ कहना चाहते प्लीज आओ जी। वीर जी थोड़ी गल बिल्कुल 100% सही है गुरबाणी विच थोड़ी गल की प्रोड़ता होंगी है जो गुरु महाराज बाबा कबीर जी कहते हैं वीर मन पंखी प्यो उड़ उड़ दें जाए जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। ते दूजे नंबर ते भाई गुरदास जी का एक पौड़ी है शुद्ध ना होवे बाल बुद्ध बालक लीला विच बिहावे पर जोवन भरमाइया पर तन पर धन पर निंद लुभावे बिरध पिया जंजाल विच महाजाल परिवार पहावे बलहीन मतहीन होए नाओ बहत्रिया बरड़ावे अन्ना बोला पिंगला तन थका मन दह दिशतावे। स्टोर हो जाते हैं विचार भाई साहब अंत जी कहते हैं साध संगत गुर शब्द बिन लख 84 जोन भरमावे अवसर चूका फिर हाथ ना आवे। शायद गुरु नानक पातशाह का यह शब्द है ये बाल व्यवस्था बारक अंध पर जोवन लागा दुर्गंध तृतीया व्यवस्था सिंचै माए बिरध विया छोट चलियो पछताए। सो गलता यह है खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलो आए। शायद इसे गलते बाबा फरीद जी ने कहा सी कि काली जी नहीं ना रावे धौलिए रावे कोए पर साई सो पिरली रंग न वेला होए। गुरु अमरदास जी महाराज कहते बख्शिश उदी है काली धौली साहिब सदा है जे को चित करे अपना लाया पिरम न लगे जे लोचे सब कोए। सो तुहाडा सवाल बिल्कुल मैं महसूस किया कि मौके मुताबिक गुरबाणी का प्रमाण दे के तुहाडे विचारां दी प्रोड़ता गुरबाणी विचों कर दी जाए। हो सकता मैं वाधू कह गया हवा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतह। नहीं प्रिंसीपल जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं होर भी तुक्कां दस के ये गल बहुत क्लीयर की आप जी धन्यवाद। तो प्रोग्राम के भुलों की खिमा और पैनल के मैंबर वालों जो भी जवाब दिए गए उन्होंने भी कई ऊंचाइया हो सकती ने रह गई उन्होंने पर आप खिमा मंगते हैं सतगुरु अगर अरदास करो कि आप एक सच्चे मार्ग से सारे रल के चलीए जी। भुलों की खिमा फतेह सांझी करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।